हल्द्वानी के हिम्मतपुर मल्ला समेत दर्जनों ग्रामीणों को ट्यूबवेल खराब होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों की उदासीनता ने जनता की मुश्किलें बढ़ा दी है। क्षेत्र में ट्यूबवेल की मोटर खराब होने से ग्रामीण पानी की बूंद बूंद से तरसने को मजबूर हो रहे हैं। लात इतने बुरे भी है कि पेयजल टैंकर की व्यवस्था करने पर भी विभाग नाकाम हो रहा है, जिसके परिमाण स्वरूप जनता को पेयजल की दिक्कतों का सामना कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि आरोप है कि जल संस्था के अधिकारियों की लापरवाही से दिक्कतें ज्यादा होती है। वहीं जल संस्थान के अधिकारी का कहना है कि टीम ने ट्यूबवेल ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। साइड गया था, मेरे पास रामपुर रोड भी क्षेत्र है, मेरे पास यहाँ का क्षेत्र भी है, मेरे पास दोनों क्षेत्र हैं। ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र भी है, ऊंचा पुल का क्षेत्र भी है। ऊंचा मैंने ट्रांसपोर्ट नगर में कल टाइम दिया था, मैं फिर वहाँ से हो करके वहाँ बोल करके मैंने कहा यार वहाँ लोग आए हैं, मैं यहाँ को आ गया था। दूसरी बात यह है, हिम्मतपुर मल्ला का जो ये कह रहे हैं कि नहीं गया, हमने परसों ही निरीक्षण किया। एक्शन साहब भी खुद आए थे वहाँ, एई साहब भी गए थे, एक्शन साहब भी गए थे वहाँ। वो ट्यूबवेल जो है गंदा पानी फेंक रहा है वहाँ। अभी 10 दिन भी नहीं हुए मोटर डाले हुए, नई मोटर डाली गई है, लेकिन वो गंदा पानी और जो रेता बजरी आ रही है उसमें, जिसकी वजह से हमारा ट्यूबवेल फूक रहा है और कई बार धोने के बाद फिर फूक जा रहा है। इसकी सही ढंग से देखभाल सही ढंग से नहीं हो पा रही है। सन 2011-12 में हमने सिंचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये हमारे अधिकारियों की बहुत ही बड़ी लापरवाही है। 3 बार ये वर्तमान में ही करीब 6 महीने के अंदर में 3 बार खराब हो चुका है, लेकिन अभी तक इसकी व्यवस्था सही नहीं की गई है। अगर टेक्निकल चीज़ है खराब होती है, लेकिन इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्था जब तक इस ट्यूबवेल की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। ये ट्यूबवेल विगत 3 महीनों से ये 3री बार खराब हो रहा है और यहाँ के जो वार्ड नंबर 40 हिम्मतपुर मल्ला के जो ग्रामवासी हैं वो वार्ड 40 में जो हमारे हिम्मतपुर मल्ला में हमारा सिंचाई का ट्यूबवेल था पहले, अभी पेयजल में भी चलता है, उसके सामने हम सब लोग खड़े हुए हैं। ये ट्यूबवेल बहुत दिनों से पहले भी खराब रहा था, बीच में जो खराब हुआ था उसको सही करने के बाद हमें पानी दिया गया। अभी क्या हुआ कि आज 2 दिन से ये बंद है, ना यहाँ पर कोई आ रहा है। परसों ऐसा है कि 3 दिन हो गए आज, 3 दिन से पूरे गांव वाले पानी के लिए त्राई त्राई परेशान हैं। कोई डब्बा लेके इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, और अभी तक यहां पर कोई भी अधिकारी सुध लेने के लिए नहीं आया है। ये 1 साल के अंदर 3 बार ये ट्यूबवेल खराब हो चुका है और